गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली में पिंटू पवाना और आरपी कुंडू के सजीले गीत, लोकगीत नहीं पिएगा शराब, नहीं देगा किसी को गुलाब, और है भारत माता का जांबाज हुआ पिंटू। इस गाने को समाज और राष्ट्र आपको थैंक्स कहता है। इसके लिए राज्य सरकार, हरियाणा और दूसरे राज्यों की सरकारों से और केंद्र सरकार से कहूँगा कि इस नंगे गानों के दौर में, फूड प्रोस्ती गानों के दौर में पिंटू ने समाज और राष्ट्र को नायना दिखाया। युवाओं को नसीहत दी है एक पवित्र गाने के माध्यम से, ए होली सॉन्ग, मत पियो शराब और गोरियों को मत दो गुलाब। वीरता, मेहनत, गरीबी का बखान और एक युवा चरित्र को पेश किया अपने गायन में, जो तारीफ़ काबिल है। हमारी भाषा कुछ पड़ोसी देशों में समझी जाती है, वहाँ तक भी इसके प्रचार प्रसार को एमबीसी के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाए और भारतीय युवाओं को नई दिशा इससे मिले। इसके लिए राज्य सरकार इस युवा कलाकार को अपनी तरफ से पुरस्कृत करे और पंडित लक्ष्मीराम जी का जो विश्वविद्यालय है, ऑडियो विजुअल यूनिवर्सिटी रोहतक में, इन युवा कलाकारों को वहाँ भी कुछ स्थान, कुछ चेयर मुहैया कराए सरकार। और उप मुख्यमंत्री हरियाणा से दुष्यंत जी चौटाला से भी मैं कहूँगा कि बच्चे आपके जींद जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका ग्रांड प्रिक्स में बड़ा आघात लगा हो वहाँ से, तो आप भी आगे बढ़कर इन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए प्रयास करें। और ये उन कलाकारों के लिए, अदाकारों के लिए भी एक संदेश है कि समाज में संस्कृति को सिर्फ पैसे के लालच में आकर गायन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक भारतीय जो महान संस्कृति है, देश की महानता संस्कृति की महानता से ही है, उसको दूषित करने का प्रयास नहीं करें। उन गायकों को कहूँगा कि इन साथियों से शिक्षा लें और अपने गायन की जो दिशा है, जो गर्त की तरफ जा रही है, उसको शिखर की तरफ मोड़ें, जिसे समाज की संस्कृति पल्वित और विकसित हो, सुदृढ़ हो और बच्चों को अच्छा सीखने को मिले। गायन बड़ा स्थायी प्रभाव छोड़ता है। गानों को बच्चा बाथरूम में गुनगुनाए तो एक अच्छे गाने को गुनगुनाए, स्नान करते जैसे सुनने में अच्छा लगे। और हमारी संस्कृति, क्लोज संस्कृति, जो क्लोज कल्चर जिसे बोलते हैं, यानी मर्यादा से बंधी हुई है, ओपन कल्चर के लोग नहीं हम, कि कैसा व्यवहार करें, पशुवत आचरण करने की अनुमति हमारा समाज में नहीं देता, अन्य संस्कृति देती है। तो मैं यही कहूँगा हरियाणा सरकार से विशेष रूप से और केंद्र सरकार से भी कि इन बच्चों की जो मेहनत और इनका जो प्रयास है, सात्विक प्रयास है, उसको सरकार अपनी तरफ से प्रोत्साहित करे। धन्यवाद।